मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सैफई जाएंगे। दिवंगत समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश के सैफई जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ पार्टी और नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री और सैफई जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देर शाम तक पटना वापस लौट आएंगे। झारखंड में एक बार फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और आज गिरिडीह से सीएम हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर गिरिडीह में तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह में झंडा मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सीएम परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम के आगमन की तैयारी को लेकर झंडा मैदान में तमाम जो तैयारी है उसका जायजा भी लिया जा रहा है। बिहार में आईपीएस अधिकारी और पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। विशेष निगरानी ने पूर्णिया और पटना में कई स्थानों पर छापेमारी की। देर रात छापेमारी खत्म हो जाने के बाद टीमें वापस लौट गई। बता दें कि दयाशंकर के साथ साथ बिल्डर संजीव कुमार के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के कई ठिकानों पर छापेमारी का मामला पूर्णिया एसपी आवास से 2,96,000 बरामद किए गए हैं और 28 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। वहीं पटना में छापेमारी के दौरान कई फ्लैट्स के बारे में भी जानकारी मिली है। राज्य में जेपी की 120वीं जयंती मनाने के बहाने जमकर सियासी तीर चले। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी के सिताब दियारा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और जयप्रकाश के विरोधी कांग्रेस की गोद में बैठने का आरोप लगाया। तो वहीं शाम में जेपी की कहानी नीतीश की जुबानी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जेपी से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया और बीजेपी पर जमकर वार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग आजकल बोल रहे हैं कि जेपी का सम्मान करना चाहते हैं उन्हें आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। बगहा के रामनगर में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर तौर पर घायल कर दिया गया है। घटना में युवक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला किया। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि युवक घर खाना खाने के बाद टहलने गया था कि उसी दौरान उसे अपने मोहल्ले के लड्डू चौधरी नामक युवक से बातचीत होने लगी और फिर बात गाली गलौज तक आ गई और इसी दौरान आरोपी ने चाकू से वार कर पीड़ित को गंभीर तौर पर घायल कर दिया। महागठबंधन ने 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महागठबंधन ने मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज सीट से मोहन गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों आरजेडी की टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन के साझा उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए हम के संरक्षक और बिहार के पूर्व सीएम जतन राम मांझी ने दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी दल दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करेंगे। वहीं मोकामा से राजद प्रत्याशी नीलम देवी ने कहा कि हमारी जीत पक्की है और भारी बहुमत से हमारी जीत होगी। अपनी किडनी का इलाज कराने के मकसद से लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंच गए हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। सिंगापुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने लालू यादव को व्हीलचेयर पर एयरपोर्ट से बाहर निकाला। लालू प्रसाद यादव किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मिसा भारती भी सिंगापुर गई है। बता दें कि सिंगापुर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि डॉक्टर से मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके
हार्ट ट्रांसप्लांट कब तक हो पाएंगे और डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आगे उनका इलाज किया जाएगा। सिवान जिले के जीरादई थाना इलाके के सिशहनी गांव में एक 20 साल के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक कल दोपहर मुंबई से सिवान जीरादई शिशहनी गांव अपने वापस लौटा था और बीती रात को अपने ही मकान में फांसी लगाकर जान दे दी। हत्या के पीछे की वजह क्या है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में शराब मामले में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। जिले के सकरा थाना इलाके में शराब और बनावटी ताड़ी की छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने धावा बोल दिया और उत्पाद विभाग की टीम के कई सदस्यों को बंधक बना लिया। पंचायती राज व्यवस्था में जहां मुखिया को पंचायत का सरकार माना जा रहा है, वहीं गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत 8 पंचायतों के मुखिया ने वार्ड के प्रति अपने तेवर तलख कर लिए हैं। पंचायत के वार्ड सदस्यों ने मुखिया की कार्यशैली से नाराजगी जताते हुए गिद्धौर प्रखंड वार्ड संघ ने मुखिया के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। गिद्धौर स्थित पंच मंदिर प्रांगण में मंगलवार को वार्ड संघ की बैठक सचिव सच्चिदानंद मिश्र के अध्यक्षता में आहूत हुई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि श्रद्धेय नेताजी का पूरा जीवन विक्रमादित्य मार्ग पर बीता और इसीलिए नेताजी के नाम से जाना जाए ये मार्ग और साथ ही हजरतगंज चौराहा पर लगी महापुरुषों की प्रतिमा की तर्ज पर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई जाए। खगड़िया में डेंगू से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और डेंगू पॉजिटिव रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बावजूद डेंगू से बचाव को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था सुस्त नजर आ रही है। खगड़िया नगर परिषद इलाके में जगह जगह जल जमाव से लेकर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बेगूसराय शहर के कई मोहल्ले में जमा गंदा पानी लोगों की परेशानियों का सबब बन गया है। गंदा पानी जमा होने के चलते लोगों को अपने घरों में जाने में भी परेशानी हो रही है। मामला बरौनी नगर परिषद इलाके के वार्ड नंबर 5 और 10 का है, जहां मेन रोड पर सालों से जमा गंदा पानी एक भयंकर बीमारी को दावत दे रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की है, लेकिन किसी ने पानी निकासी को लेकर इसे अब तक ठीक कराने की जहमत नहीं उठाई। बगहा के रामनगर में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर तौर पर घायल कर दिया गया है। घटना में युवक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुराने रंजिश में युवक पर चाकू से हमला किया। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा में शराब मामले में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। जिले के सकरा थाना इलाके में शराब और बनावटी ताड़ी की छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने धावा बोल दिया और उत्पाद विभाग की टीम के कई सदस्यों को बंधक बना लिया। बेगूसराय में साइकिल चोरी करते एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी। घटना फुलवरिया थाना इलाके के सिंधिया चौक की है। बताया जा रहा है कि चौक के पास एक साइकिल चोर साइकिल चोरी कर ले जा रहा था कि तभी लोगों ने साइकिल चोरी करते देख उसे पकड़ लिया और इस दौरान चौक पर काफी तादाद में स्थानीय लोग पहुंच गए और कथित चोर की जमकर पिटाई की गई। बगहा में गंडक नदी का कहर जारी है और गंडक कई जगहों पर तेजी से कटाव कर रही है। बगहा नगर के वार्ड नंबर 16 पारस नगर में गंडक नदी कटाव करते हुए लोगों के घर के पास पहुंच गई। रात में गंडक नदी की पानी की आवा और साथ ही लगातार गिर रहे बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े से लोगों की नींदें कोसों दूर चली गई हैं। लोग रात में
रात जगा कर रहे हैं और नदी के तट को देख रहे हैं। लोग की इस बड़ी परेशानी के बीच प्रशासन भी लापरवाह बना हुआ है और कटाव की जगह विरोधी काम नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। मांडर प्रखंड के मुड़मा गांव में मंगलवार को दो दिवसीय ऐतिहासिक मुड़मा जतरा शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया। इस दौरान जतरा खूंटा की पूजा अर्चना की गई। समारोह में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व विधायक बंधु तिर्की, सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, सन्नी टोपो सहित अन्य उपस्थित रहे। मौके पर सरना धर्मकोट और मुड़मा जतरा स्थल की सुंदरीकरण को लेकर धर्मगुरु बंधन तिग्गा और स्थानीय विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने मंत्री अर्जुन मुंडा को एक मांग पत्र भी सौंपा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेरा उद्देश्य यहां पर आने का डेलीगेशन से मिलना था। सभी कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए, हमारी पार्टी की विचारधारा को बचाने के लिए चुनाव मैं लड़ रहा हूं। आज भाजपा और आरएसएस भारत तोड़ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी भारत को जोड़ रहे हैं।